एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता गुरुदेव शरण गुप्ता ने कांग्रेस को अलविदा बोल अपनी घर वापसी कर ली है। गुरुदेव शरण गुप्ता ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले लगा यह तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को कई बड़े झटके लगे हैं। दतिया के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम गुरुदेव शरण गुप्ता का है, जिन्होंने घर वापसी करते हुए फिर से भाजपा की सदस्यता ले ली है। वहीं कुशवाहा समाज के नेता शेर सिंह कुशवाहा और मुस्लिम समाज के दिग्गज नेता माशूक अली ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं के आने से भाजपा दतिया जिले में मजबूत स्थिति में आ गई है। गुरुदेव शरण गुप्ता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। गुरुदेव शरण गुप्ता ने कहा कि मैं जब से भाजपा छोड़ कांग्रेस में गया था अंदर से खुश नहीं था, मैं कभी कांग्रेस का हो ही नहीं पाया। मैंने भाजपा छोड़ने का फैसला गुस्से में लिया था, मुझे अपने इस फैसले का अफसोस है। अब मैं भाजपा में आ गया हूं और अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए ही काम करूंगा। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। मुझे अच्छा नहीं लगा कांग्रेस में काम करते हुए, बिल्कुल सच है। मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ का ना तो अनुशासन पसंद था, ना वहाँ की गुटबाजी पसंद थी, और ना वहाँ का संगठनात्मक जो कार्यशैली है वो पसंद थी। लेकिन चूंकि भाभावेश में नाराजगी के चलते मैं गया था, मैंने अंतर से कांग्रेस को झांका नहीं था। अन्यथा मैं जीवन में कभी कांग्रेस में नहीं जाता, अन्य किसी दल में चला जाता, निर्दलीय काम कर लेता। मुझे आत्मा से बड़ी पीड़ा हुई, वहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई बात मुझे तो अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, नहीं कि आज मैंने छोड़ दी इसलिए हम उसको खराब कहें। हम रहते हुए भी हमें कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमें अपने घर वापस जाने दो। बहुत लोगों ने आग्रह किया, हमने एक नहीं मानी। हमने कहा नहीं, अब हमें मन हो गया हमारा, हमें जाना है। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।